मनीष जी आपका। ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और इस एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं, झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है, भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते, आज के हालिया एनकाउंटर्स की भी गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए, दोषियों को छोड़ा ना जाए लेकिन सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। प्रीति जी, ये वो सरकार है जो अपराध पे लगाम लगा रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जो अपराधियों से लगाम लेती रही हैं। अब उनको मिलने वाले लगाम पे दिक्कत हो गई है क्योंकि लगाम लगाने वाली सरकार आ गई है। हिंसा किसी भी स्वस्थ समाज का हिस्सा हो ही नहीं सकता और भारत की संस्कृति में का हिस्सा हिंसा हो ही नहीं सकती है। और कोई भी व्यक्ति जो समाज के लिए खतरा है, जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, 10 जजेज ने, न्यायपालिका के 10 जजेज ने जिसका केस सुनने से मना कर दिया, जो कई बार लगातार 5 बार विधायक रहा अलग अलग दलों से, जो सांसद रहा, एक तरफ ऐसी सरकारें रही जो ऐसे लोगों को संसद में क्या कहते, जो संसदीय भाषा हो, जो संसद की मर्यादा रख सकते हैं वहां बैठने वाला, जो सभे हो सभा में बैठे और सभा में बैठने वाला संसद में बैठे, लेकिन अपराध और आतंकियों को, इस तरह के लोगों को संरक्षण दे करके जो सरकारें वहां तक पहुंचाते रही हैं, जाहिर सी बात है उनका समाज से सरोकार नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान योगी सरकार नेतृत्व, आदरणीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उसके लिए अपराधी अपराधी है, वो कहते हैं ना कि वो उनके आंखों पर चश्मा लगा है, उन्हें हिंदू और मुसलमान दिखता है, हमें सब में इंसान दिखता है। अपराधी किसी भी मजहब का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, समाज के लिए खतरा है किसी भी। और मैं दावे से कहता हूँ, अल्पसंख्यक समाज के बहुतायत लोग भी कायदे में रहना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कायदे में रहने से फायदे में रहेंगे, लेकिन बहुत चंद ऐसे लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं काम सरकार का है, सरकार इसको बखूबी कर रही है। धनंजय जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, उन्होंने बयान दिया, सार्वजनिक तौर पर कहीं संबोधित कर रहे होंगे तो उनका बयान सामने आया इस मुद्दे पर, वो कह रहे हैं कि अगर यही रहा, ये एनकाउंटर वाला सिलसिला रहा, तो समाज में न्याय व्यवस्था, साथ ही जज और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी जरूरत नहीं रहेगी, फिर आप न्याय व्यवस्था क्यों बनाकर रख रहे हैं? प्रीति जी आप बताइए, उनको खुली छूट दे दी जाए, तो भैन से छुड़ा कर ले जाए, अति कहमत को फ्री कर दिया जाए कि भाई तुम गोली चलाओ, पुलिस वालों पर गोली चलाओ, वर्दी उन्होंने पहनी है आपके लिए, जान देने के लिए। अब ऐसे लोगों से इस तरह की तकरीरों के, इस तरह की बातों का क्या जवाब दीजिएगा? क्या समाज में जो वो समाज की रक्षा के लिए जो खड़े हैं, जो हमारे पुलिस वाले जो दिन रात 24 घंटे धूप गर्मी बरसात जड़ा गर्मी सब में जान देने के लिए खड़े हैं, जो समाज की रक्षा के लिए खड़े हैं, उन पर गोली चलाए, उसको छोड़ दिया जाए, उनको पकड़ दिया जाए? 10 जजों ने, 10 जज रिफ्यूज टू हियर हिज केस, उसका क्या किया जाए? क्या ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं कि हमारे लिए जो खड़े हैं उन पर गोली चलाया जा रहा है।